रानी साहेब, बात है ना बहुत सिंपल है। मेरे को लोगों से वफादारी चाहिए। बगावत होती है ना, वो मेरे को पसंद नहीं है। आप चिल्लाती है, फिर वो कल का छोकरा आके मेरे को दो बात सुनाता है, क्या समझू मैं? सॉरी साहेब, मैं थोड़ा डर गई थी। देखो जो भी है, वो छोकरे का जो रवैया है ना, मेरे को अभी कुछ हजम नहीं हो रहा। लेकिन उसका क्या करेंगे साहेब? भी उसका पैसा चाहिए तो उसका रवैया झेलना पड़ेगा। हाँ, जरूरी नहीं है। मतलब? अरे क्या तुम्हें ऐसा कुछ तो नहीं कहना जिससे सत्या को तुझ पर शक हो? तेरी जगह इस घर में डामाडोल नहीं हो सकती। हाँ हेलो, आज मिलने का है? हाँ आज, मैसेज करके टाइम बताता हूँ, ठीक है? कौन था साहिब, किससे मिलने वाले हो? अभी ये युग वाले रिश्ते में है ना, मेरे को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो अपने जाई को खुश ना रख के ये चलेगा, लेकिन वो अगर मेरे को ना खुश रखेगा ना, तो ये पड़बड़ेगा नहीं मेरे को। वो छोकरा अभी राज्य बढ़कर परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। उसको और वो छोकरे है ना, दोनों को घर से बाहर जाना पड़ेगा। और इसका प्लान मैंने अपने दिमाग में फिट कर लिया है। मैं भी देखता हूँ सत्या क्या करता है। इधर क्या कर? बस चेक कर रही थी, तेरे कानों में से धुआं तो नहीं निकल रहा। इधर आ, बैठ इधर। तुझे पता है, मैं ना कभी कभी सोचती हूँ क्या ये मेरा वही एक क्या है जो छोटी छोटी बातों पे डर जाता था, आज इतना निडर इतना बहादुर कैसे बन गया? जो ये मोटे मोटे चश्मे पहनता था और वो धूल मिट्टी को देखकर कहता था यू आर्या इट्स सो डर्टी। देखो यार, बचपन में तेरे पेट में एक चीज नहीं रहती थी, आज वही लड़का इतना बड़ा सीक्रेट एजेंट बन गया। सीक्रेट एजेंट और साथ में तेरा पति भी। तू चिंता मत कर, अंकुश काका हमारे साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है ना? हमारे दिल में है, हमेशा जिंदा रहेंगे वो। टेक केयर। ये कैसी मजबूरी है? ये क्या कोई बता भी नहीं सकती कि बाबा जिंदा है, बाबा भी जिद पर अड़े हैं। पता नहीं इसे बताने की इजाजत ही नहीं दे रहे, इतना क्यों झिझक रहे हैं बाबा? ये क्या कोई सच बताने से? ना ये क्या को बता सकती हूँ, ना बाबा को नाराज कर सकती हूँ। फंस गई हूँ इन दोनों के बीच। नहीं, मैं बाबा को नाराज नहीं कर सकती, उन्हें मैं फिर से नहीं खो सकती। सॉरी अरे क्या, ठीक है ना? बेटा तेरी जान भी जा सकती थी। वो अंकुश थे ना वहां पर, हा? क्या क्या कर रहे थे वो? काका मुझे नहीं पता था कि वहां पर स्नाइपर है, और बाबा वहां पर थे, मुझे ये भी नहीं पता था। नहीं नहीं बेटा, अब बस, अब जान के साथ जुआ नहीं, मतलब नहीं। पर नहीं बेटा देख, वो अंकुश को लड़ना है ना सत्या के साथ, तो वो लड़ ले। हा? तेरी जान जोखिम में डालने का उसको कोई भी अधिकार नहीं है। देख बेटा, तेरी आई ने
आज अपनी जान दी है। क्यों? क्योंकि तू जिंदा रह सके बेटा। और बेटा, अगर तेरी आई जिंदा होती ना तो वो ये नहीं चाहती कि तू ये रिस्क उठाए। देख बेटा, तू मेरी जिम्मेदारी है रे, हाँ? ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी बस, मतलब बस। क्या बस जान रहा हूं? अरे तुम तो थे ना वहाँ पे, हाँ? क्या कर रहे थे? अरे बच्चे की जान भी जा सकती थी, वो तो अच्छा हुआ युग ने बचा लिया। मैं था इसलिए बची हो। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा सफाई की तुम्हें जरूरत है। देखिए अंकुश दादा, आप ना ठीक नहीं कर। प्लीज। अरे कहा था ना कमजोर कड़ी है, इरादे कमजोर कर देते हैं ऐसे भावुक लोग। बाबा, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट ही इज वरीड। बचपन से उनकी छोड़ो, अपनी बात करो। ध्यान कहां था तुम्हारा? तुमने क्यों नहीं सोचा कि सत्या क्या सोच रहा होगा? उसने कहीं स्नाइपर छिपा के रखा होगा, क्यों नहीं देखा तुमने? इतना सा फासला था तुम्हारे और तुम्हारी मौत के बीच में आर्या, इतना सा। और बहुत ही कीमती है तुम्हारी जिंदगी, मकसद जुड़ा है उसके साथ, एक लड़ाई है जुड़ी उसके साथ। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई एम सॉरी बाबा, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। वो युग तहकीकात की उसके बारे में, और मुझे पता चला है कि वो इत्तफाकन हर बार तुम्हारी जान बचा लेता है, पहले आग से फिर जंगल में, और शायद इसीलिए मैंने उसका ध्यान उस स्नाइपर की तरफ खींचा, और इस बार भी उसने तुम्हारी जान बचा ली। वो तो बचाएगा ही बाबा, क्योंकि वो जानता है कि मैं आर्या हूँ। क्या करूँ, पापा को बता दो कि उसे पता है और ये कि वो हमारे ही साथ है। आर्या, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे मुझे तकलीफ होगी। अपनी आइडेंटिटी तुम अच्छी तरह से छिपा के रख रही होगी, इस बात का मुझे यकीन है, राइट? बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। बाबा वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मतलब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या है आर्या? मैंने गलती से इसको उसके असली नाम से बुलाया। क्या बाबा, वो गलती से हुआ था, लेकिन बाबा, the best thing is कि एक क्या जो है वो हमारी तरफ है, हाँ? वो सीएम अंकिता राव जी के साथ काम कर रहा है मेरी मौत का बदला लेने के लिए। डबल एजेंट का नाम सुना है तुमने? क्या बाबा? डबल एजेंट, what if he's a double agent? हो सकता है कि वो तुम दोनों के साथ खेल रहा हो, तो तुम्हें कुछ कह रहा हो, उन्हें कुछ कह रहा हो। उसने एक बार तुम्हें बोला और तुमने बात मान ली, like really? What if he's a liar? What if he's a liar? नहीं बाबा, वो एक है, वो झूठा नहीं है। और एक मिनट, एक बात मांगी थी मैंने तुमसे, ये है तुम्हारा संयम? नहीं नहीं, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया आर्या। बाबा प्लीज मेरी बात सुनिए ना। आई स्वेयर बाबा, मेरा कोई इरादा नहीं था उसको बताने का। मेरे लिए ट्रस्ट बहुत बड़ी बात है आर्या। जानती हूँ, मैंने सोचा था कि 14 साल के बाद मैं लौट कर आया हूँ ना, सिर्फ एक इंसान है पूरी दुनिया में जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, और वो तुम, मेरी बेटी, मेरी आर्या। लेकिन नहीं नहीं आर्या, तुमने मुझे फेल कर दिया है फिर से। अब तुम पर भरोसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। I'm sorry. प्लीज बाबा, ऐसा मत बोलिए बाबा। बाबा मैं आपके लिए जीती हूँ, आपकी खुशी के लिए, आपकी मुस्कुराहट। तो वादा क्यों तोड़ा फिर? 14 साल से मर चुका था ना मैं तुम्हारे लिए। अब से ये सोच लेना कि बाबा नहीं है। नहीं, बाबा मर चुका तुम्हारा बाबा। नहीं, ये जंग मेरी है और मैं अकेला ही लड़ूंगा। ठीक कहा है किसी ने, खून पानी से गाढ़ा होता है। जब मैं तुम्हारा असली बाबा हुई नहीं तो किस प्यार, किस समर्पण की अपेक्षा कर रहा हूं मैं तुमसे? आखिर खून तो तुम्हारी रगों में उस सत्या का दौड़ रहा है ना। बाबा, प्लीज, डोंट गो, बाबा। आर्या,
क्या हुआ? इतना पसीना? मैं कुछ कह रहा था तुमसे, मैं कह रहा था कि मुझे यकीन है आर्या कि तुम अपने बाबा का भरोसा नहीं तोड़ोगी, अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताओगी, इस बात का मुझे यकीन है, ठीक है ना? Good. Proud of you. मैं बाबा को इक्या के बारे में नहीं बता सकती, वरना वो नाराज हो जाएंगे। ये बापा, ये कैसी दुविधा में डाल दिया? बाबा और इक्या दोनों से सच्चाई छिपा कर रखनी है। सुन, सत्या का ईगो और उसकी सत्ता के लिए भूख, ये दोनों हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। हमें इसका ही फायदा उठाना है। वैसे तूने एक काम अच्छा किया, उसे बता दिया कि तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन वो सत्या है, बहुत शातिर है वो। जो आदमी 8 साल तक जेल में रहकर अंदर रहकर भी नेता बन सकता है, वो चुप तो नहीं बैठेगा। मेरे सामने तो चुप बैठा रहा, चुपचाप, कुछ भी नहीं बोला। वो चुप था, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। पक्की बात है, मैं बता रही हूँ तुझे। ये क्या कर रही है? मैंने ये जो मेन डोर है ना, उसका सीसीटीवी हैक करके अपने फोन में कनेक्ट कर लिया। देख, वो कहीं जा रहा है। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? पक्का कोई जुगाड़ लगाने जा रहा होगा, चल के देखे। मुझे याद है, आपने बोला था शाह भाई कि जब मोइनी साहब इलेक्शन जीत जाएगी और सीएम की कुर्सी पर बैठेगी, तो तब जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक सीट आपको हम लोग देंगे। जिसके बदले में आप हमारे पार्टी का जो भी फंडिंग विंडिंग का काम है वो सब आप संभालोगे। लेकिन बाबू साहब, आपने तो बोला था कि आपको मेरे पैसे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वहीनी साहब के लिए वोट चाहिए, और उसी के बदले में तो आपने मुझे वो कंसाइनमेंट करवाया था। ये तो शाह है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है वहाँ पर? राजनीति है, आपको मालूम है, ये वादे, कसमें, इरादे मौसम के जैसे बदलते रहते हैं ना। तो अभी आप बताओ, आपको क्या करने का है? बाबू साहेब, मैं क्या बताऊं, मेरे पास हाँ बोलने के अलावा और कोई चारा है क्या? अरे वाह, क्या बात है। ये लीजिए बाबू साहेब, ये हो गया हमारा टोकन अमाउंट, अब से आपकी बैंक ये शाह है। पैसे, पैसे। इसने दूसरे फाइनेंसर का इंतजाम कर लिया। लेकिन आर्या, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सत्या ने आज तक कभी शाह से पैसे नहीं लिए। लेकिन अब क्या कर सकते, ढूंढ लिया उसने तुम्हारा ऑप्शन। ये क्या, दिस इज बैड न्यूज फॉर अस। अगर शाह इसे कैंपेन के लिए फंडिंग दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये लोग कभी भी हमें घर से निकाल सकते हैं। और अब तक हमने जो कुछ भी किया है ना, उस पर पानी फिर जाएगा। मैं मैडम सीएम से बात करता हूँ। वैसे बाबू साहब, मैं फैक्ट्री की तरफ ही जा रहा था, आपने जो कंसाइनमेंट दिलाया था ना, उसी का काम पूरा करने के लिए। एक बार वो काम स्मूथली हो जाए, उसके बाद हम सेलिब्रेशन करते हैं हमारे नए एसोसिएशन का। हाँ जरूर करेंगे ना, आप करो जाके अपना काम, मेरे को भी कल सुबह में एक काम करना है। ठीक है बाबू साहब, आता हूँ। ओके। युग, कुछ भी करके जितना हो सके उतनी देर तुम उस घर में टिके रहो। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं कुछ देर में पुणे पहुंच रही हूँ। ओके।
हाँ बाबा, मैंने खुद देखा, वो शाह से पैसे ले रहा है। अगर उसका कैंपेन वो फंड कर रहा है तो हमारा इस घर में से कभी भी निकाला हो सकता है। मैं देखता हूँ। जान काका थे। अरे मुझे भी जान काका से मिलना है, उन्हें थैंक यू बोलना है तुम्हारी जान बचाने के लिए, तुम्हें इतने साल सही सलामत रखने के लिए। I'm sorry, ये क्या? अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, बाबा को कुछ बता नहीं सकती। मिलेंगे, पक्का प्रॉमिस मिलेंगे, आराम से अच्छे से। अभी यहाँ का सारा काम निपटा ले। आपको लगता है कि ये शाह पे यकीन करना सही रहेगा? मतलब युग घर का आदमी है, बिजनेसमैन है, और फिर रिश्ते की बुनियाद पे खड़ा किया हुआ कोई भी सौदा ज्यादा मजबूत होता है। उसी बुनियाद पे तो ये रिश्ता खड़ा किए थे, देख लेना क्या हुआ। और बहुत पुरानी कहावत है, रिश्ता और सौदा ये दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। शाह का क्या है, सिंपल रहेगा, एक हाथ ले एक हाथ दे, बेटर फिनिश। ये युग पे मेरे को भरोसा नहीं रहा अभी। एक तो वो आयरा को बचाया, चायला मेरे को आके आड़े टेढ़ी बात सुना रहे हो। तेरे को मालूम है ना, दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ बाबू साहेब को बताने वाला और सिखाने वाला। और वो अगर घर का आदमी है तो बराबर भागीदार रहना चाहिए ना, फिर चाहे वो मर्डर क्यों ना हो। साहब लेकिन ये जो शाह है ना, ये पहले सीट लेगा, फिर इसकी जुबान खुलेगी और फिर पॉलिटिक्स में घुसेगा। सत्ता का कितना बड़ा भूखा है ना आप जानते हो। मालूम है, लेकिन उसकी ज्यादा औकात है ही नहीं। वो मैं पब्लिक के सामने बोलता हूँ कि उसकी पकड़ अच्छी है पॉलिटिक्स पे। मेरे को उसकी चिंता नहीं है रे, मेरे को बना अभी उलझन ये दोनों को लेके हो रही है, आयरो और वो युग को। इसलिए वो लोग दोनों को है ना घर से निकलना चाहिए जल्द से जल्द। ये बाबा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या बात है, आज बड़ी शांति है घर में, कोई खबर वबर नहीं? शांति से बैठी रहो और चुपचाप अपना नाश्ता करो, फालतू की खबरों में पढ़ने की जरूरत नहीं। अंकिता मैम ने कुछ किया क्या? मुझे क्यों लग रहा है कि ये शांति तूफान के पहले की है? नहीं मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? ये बाबा का डिसीजन है, मेरा नहीं है। मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा, क्या मतलब? तू इतनी खूबसूरत है, मैं तेरे लिए युग से ज्यादा अमीर, युग से ज्यादा गुड लुकिंग लड़का लेकर आऊंगी। नहीं, युग मेरा है। जाई, युग मेरा। जाई, मेरी बात। जाई, तूने टेंशन में सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। कम ऑन, डोंट वरी, वी विल सॉर्ट दिस आउट। क्या सॉर्ट? कुछ सॉर्ट नहीं होगा, बाबा ने बोला ना, कुछ सॉर्ट नहीं होगा मतलब नहीं होगा। आई प्लीज, ये कोई बिजनेस डील नहीं है। जई बहन है मेरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज हैव दिस जूस। यू हैवंट ईटन एनीथिंग। जई कम ऑन, लिसन टू योर बिग ब्रदर, प्लीज कम ऑन। Good girl. Hey.
शाबाश, तू सच में मेरा बेटा है। शंभू, शंकर जल्दी आओ, इन दोनों का सामान यहां से बाहर फेंक दो अभी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.